अस्सलाम वालेकुम। फॉर सेल पीके में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने न्यूज़ भी सुन ली होगी कि पाकिस्तान की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल जल्द ही पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रही है, और ये कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। और आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में पहले एक बाइक लॉन्च हुआ जोल्टा कंपनी का, जो कि काफ़ी कामयाब भी हुआ, लोग यूज़ भी कर रहे हैं इसे। तो अब आ चुकी है गाड़ी, और गाड़ी के हवाले से आपको बता दें कि अभी इसकी ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई, लेकिन जितनी भी डिटेल्स आई हैं वो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। और ये चंद पिक्चर्स जो हैं ओरिजिनल जो हैं इस गाड़ी की, हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बिल्कुल गाड़ी दिखने में ऐसी है। जो पहली वीडियो थी वो कंपनी की तरफ से एनिमेटेड वीडियो थी जो कि लॉन्च की गई है, तो उससे भी आप एक्सटीरियर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंटीरियर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। गाड़ी की ओरिजिनल लुक की भी पिक्चर्स हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ज़्यादातर पिक्चर जो कंपनी ने लॉन्च की हैं जो पाकिस्तान के लिए, वो ये सामने आ रही हैं आपके। और लेकिन जो चाइना में गाड़ी की जो पिक्चर्स हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब चलते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट्स के हवाले से बात करते हैं। तो इसके दो वेरिएंट्स पाकिस्तान को दिए जाएंगे, और उनमें से पहला वेरिएंट होगा जिसके अंदर आपको 35 किलोवाट LFP बैटरी मिलेगी, और इसके अलावा वो जनरेट करेगी 48 हॉर्स पावर, और उसकी रेंज होगी 210 किलोमीटर पर चार्ज, यानी कि एक चार्ज के अंदर वो 210 किलोमीटर का फासला तय करेगी। और जो दूसरा वेरिएंट दिया जाएगा उसकी जो बैटरी की है 30 किलोवाट की LFP बैटरी दी जाएगी, और वो जनरेट करेगी 41 हॉर्स पावर, और उसकी रेंज होगी 150 किलोमीटर पर चार्ज। और अगर हम बात करें इन दोनों वेरिएंट्स की जो टॉप स्पीड है उसकी, तो दोनों वेरिएंट्स की टॉप स्पीड होगी 101 किलोमीटर पर आर। मज़ीद फीचर्स की बात करें तो उनके अंदर सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस गाड़ी के दो डोर्स हैं, दो डोर्स के लिहाज से काफ़ी छोटी गाड़ी है, और मेहरान को भी रिप्लेस करने जा रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो इसके अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलने वाला है, एयर बैग्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें LED की, तो आपने देख लिया होगा सर्कुलर LED लाइट्स हैं, टेल लाइट्स भी सर्कुलर में आपको मिल जाती हैं। और आउटडोर जो हैंडल हैं वो आपने एनिमेटेड वीडियो के अंदर देख लिए हैं किस तरह के आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा इंजन की बात करें तो पुश स्टार्ट बटन है, और इसके अलावा इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, LCD मीटर है, क्लाइमेट कंट्रोल है, और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। और चिंगान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में चाइनीज़ इलेक्ट्रिक हैचबैक चेरी QQ आइसक्रीम और चेरी EQ1 दोनों गाड़ियों को रिप्लेस करने वाली है। तो इसका मतलब है इसके अंदर उन गाड़ियों से ज़्यादा फीचर्स दिए जाएंगे। और कुछ लोग YouTube पर प्राइस के हवाले से कह रहे हैं कि ये गाड़ी 10 से 12 लाख रुपए में फ़रोख्त होगी, तो अभी तक इस बारे में ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आई, तो इस तरह की बातों पर कान ना धरें। लेकिन एस्टिमेटेड जो प्राइस हमें लग रहा है वो 20 से 25 लाख रुपया होने वाली है। और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। और जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल फॉर सेल PK सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।